एट द सेम टाइम जो हमारा बिजनेस मॉडल है ऑन पैसिव का, इसको कोई दुनिया की ताकत इसमें घुस ही नहीं सकती। पहली बात आप इसको इसको नोट कर लीजिए। ओके, प्रोडक्ट्स क्या है ये? आप क्या सोचते कि ये जो ऑन पैसिव के प्रोडक्ट अभी नहीं है, हैं, अभी भी है इंटरनेट के ऊपर, बट इन लोगों की हिम्मत नहीं है उन प्रोडक्ट्स को उस लेवल पे लेके जाने की और लोगों को फैसिलिटी देने की। ओके, इस बात को, ये जूम है जो आप आज जो जूम देख रहे हैं, इसको 4 साल बनने के लिए लगा था, मगर अभी भी अगर इसमें आपने कुछ करना है और कहीं जाके आपको जूम से बाहर जाना पड़ेगा, फिर आप गए। इनकी हिम्मत नहीं है, इतना बड़ा इन्होंने प्लेटफॉर्म बना लिया, $150 बिलियन एक साल में कमाया इन लोगों ने, और इनकी हिम्मत नहीं है कि ये इस प्लेटफॉर्म को ये सही कर पाए। ओके, क्योंकि ये ऐसा नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि इनमें उस लेवल के ऊपर जाके काम करने की क्षमता ही नहीं है, यहीं पे ऑन पैसिव अलग है। ओके, अगर ऑन पैसिव प्रोडक्ट्स और जो भी चीजें लेके आ रही है वो उस लेवल पे लेके आ रही है कि ये लोग उस लेवल पे आके सोचेंगे ही नहीं पहले तो, कि इतना एडवांस, इतना अच्छे चीजें किसी को हम प्रोवाइड भी कर पाए। ओके, तो ये बहुत फर्क है। इसलिए ये इसलिए जब ऐश कहते हैं कि हम लोग इन लोगों से 5 साल आगे हैं, तो उन्होंने एक बड़ा मुझे ईमेल में क्वेश्चन कि सर हम कहते हैं कि हम 5 साल आगे, तो उसमें तो 3 साल निकल गए, इसका हम 2 साल रह गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, 5 साल मतलब जैसे ही ऑन पैसिव लॉन्च है तब भी हम 5 साल आगे हैं इनसे, ये चीज है। ओके, तो इसमें आप थोड़ा इसको सोचे कि जो बिजनेस मॉडल है ऑन पैसिव का, ये कोई भी कभी मैच नहीं कर पाएगा, कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा, कोई भी आपकी जेब में एक पैसा नहीं डालने वाला। ये जितने धुरंधर तुरफ रहे, जितने हैं जितने, ओके, आप ये मुकेश अंबानी को बोलो कि ओके आप तो बहुत इतने बड़े अमीर हो दुनिया के, आप ऐसे करो आप ना हमारी जेब में हर एक महीने पैसे डालने लग जाओ, वो आपको उठा के बाहर समुद्र में फेंक के आएंगे कि दफा हो जाओ यहाँ से, ऐसी बात भी नहीं करनी। ओके, तो ये कभी कोई नहीं सोच पाएगा, आप जिससे मर्जी बात कर लो, क्योंकि बिजनेस मॉडल नहीं है। इसके लिए जो वैश कहता है कि ऑन पैसिव दिल से बन रही है, इसके लिए हर्ट चाहिए, इसके लिए दिमाग चाहिए वैसा, तो वो हर्ट दिमाग वो है, इसी के जरिए आपके पॉकेट में, आपकी जेब में पैसे डलने वाले हैं, और एक ही क्राइटेरिया है उसका कि आपको जस्ट ऑन पैसे में आना है, बस उसके अलावा कुछ काम नहीं, आपका डन डील है ये। ओके, और इस डन डील में कैसे कैसे पैसे डालने हैं वो उनको अच्छी तरीके से मालूम, वो यही काम पिछले 20 साल से कर रहे हैं, वो ऑलरेडी मिलेनियर्स हैं, उनको मालूम है कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है, और उन्होंने उस इंटरनेट जो कि आउटडेटेड इंटरनेट है आज की डेट में, वो आउटडेटेड इंटरनेट से ही पैसे कमाए हैं, और जब अब ऑटोमेशन के जरिए वो इतना बड़ा सिस्टम को लेके आ रहे हैं, तो आप सोचो कि क्या भूचाल आने वाला है इंटरनेट के ऊपर। ओके, यहाँ पे मिलियंस ऑफ मिलियन कस्टमर यहाँ पे आके जुड़ने वाले हैं, क्योंकि जो वैल्यू प्रोडक्ट्स की है वो सबसे ज्यादा मिलने वाली है यहाँ पे, जो वैल्यू बेस्ड है ये चीज, वैल्यू बेस्ड जो चीज वैल्यू बेस्ड होती है वो लाइनें लग जाती है। एप्पल का प्रोडक्ट है, ओके, फोन तो और भी, फोन ही है, क्या है, फोन है, सिंपल फोन है, बट उसकी वैल्यू इतनी बढ़ा दी गई है कि हर एक साल आता है। अब आप सोचो एक साल के बाद उस फोन में क्या हो गया, अभी वो नया मॉडल वो लेके आते हैं और फिर लाइनें लग जाती हैं उसको फोन को लेने के लिए। ओके, फिर अगले साल आता है, फिर लोग लाइन स्टोर के बाहर लगा रहते हैं, ये फोन ही तो है, बट क्योंकि उस फोन की वो वैल्यू इतनी देते हैं, उस चीज को वैल्यू इतनी बढ़ा के दी गई है कि लोग मजबूर हो जाते हैं कि उसको फोन को लेने के लिए। अब आपको मालूम है लाख लाख सवा लाख लाख रुपए का, सवा सवा लाख रुपए का एप्पल के फोन है, तो लोग अपना वो पुराना वाला फोन छोड़ के एक साल पहले फिर नया लेने शुरू हो जाते हैं। तो दैट मीन्स वैल्यू, तो वैल्यू को समझो, ऑन पैसिव वो वैल्यू है जहां पे लोग अपने आप आएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही किस्मत वाले हो कि आप इसको आइडिया को पहले समझ गए, आप जितने भी लोग हो अब तक जितने भी आए हो, तो इसीलिए आप इस लेवल पे जाके पैसा कमाने वाले हो कि आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा। जैसे मैंने पहले बोला कि जसवंत के आज ग्लोबल लीडर, अगर उसके आज 1100 डायरेक्ट हुए हैं, तो हम लोग आज से 1-1.5 साल पहले बात करते थे जैसे क्या कि इतने कैसे कर पाएंगे हम लोग। ओके, बट आज पॉसिबल हो गया। ओके, ऐसे ही आज से कुछ महीनों के बाद यही पॉसिबल होने वाला है कि आपके जेबों में पैसे डलने वाले, तो ये पॉसिबिलिटी है जो ये ओनली एंड ओनली ऑन पैसिव आपको सबको देने वाली है। तो इसमें वो जो क्वेश्चन आया था मुझे, तो मैंने सोचा उनका क्वेश्चन जरूर मुझे पहले ले लेना चाहिए कि ये बात है, क्योंकि औरों के मन में भी ये सारी बहुत सारी बातें होती हैं। ओके, एंड बाकी एक और क्वेश्चन आया था मुझे, एक रिया करके लड़की है, उन्होंने बोला कि हम
हमें कैसे मालूम कि ये ग्लोबल लीडर हमें कहाँ मिलेंगे, कहाँ देखना पड़ेगा? तो आपको कहीं नहीं देखना पड़ेगा, सिंपल है, लॉग इन कीजिए, वहां पे जो लीडरशिप काउंसिल है वहां पे आपको खुद ही मालूम चले जाएगा। एक क्राइटेरिया ऑन पैसिव का कि 1000 डायरेक्ट फाउंडर्स एंड 10,000 की टीम होनी चाहिए एंड ही इज क्वालिफाइड फॉर ए ग्लोबल लीडर। ओके, सिंपल सा फंड है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। जिसकी भी 1,00,000 की सॉरी 10,000 की टीम, सॉरी टीम तो आपको नहीं दिखेगी बट डायरेक्ट दिखने वाले हैं आपको। ओके, एट द सेम टाइम इसमें से भी बहुत लोगों के 1,000 के हो चुके हैं बट वो भी ग्लोबल लीडर नहीं है, जो अभी आपको दिख रहे हैं ना वहां पे, उनकी 10,000 की टीम नहीं हुई है। और यहाँ पे हमारे जैसे फाउंडर हैं, जस्सी जैसे फाउंडर हैं, जिनके वो भी हो गए हैं और 1,00,000 से ज्यादा की टीम है। ये देखो डिफरेंस कितना होने वाला, बहुत बहुत बड़ा। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जो आपको लोग दिख रहे हैं वहां पे, उनमें से आई थिंक एक आदि को छोड़ के बाकी कोई ग्लोबल लीडर अभी है भी नहीं, उनकी 10,000 की टीम भी नहीं है। मे बी डायरेक्ट उनके जाते होंगे बट वो नहीं है। ओके, तो वहां पे आप देखिए सब कुछ आपके वहां पे है। और आप अपने बैक ऑफिस को प्लीज लॉग इन किया कीजिए, लीडरशिप काउंसिल में अपडेट देखा कीजिए, वेबिनार टैब्स में देखा कीजिए। क्योंकि मुझे आते हैं कि सर मैं तो अकेला हूँ, मुझे मालूम ही नहीं चलता मैं कब क्या हो जाता है। तो आपके सामने है सब कुछ, वहां पे वेबिनार जो टैब है वहां पे जाइए, अपकमिंग वेबिनार्स हैं वहां पे लिखे हुए हैं, आप उसको पढ़िए कौन सा वेबिनार कौन से में है। नो डाउट उसमें बहुत सारा टाइमिंग जो ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम होता है। ओके, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम को आप इंडिया में इंडियन आपके पास मोबाइल है उसको कन्वर्ट कर सकते हो, बड़े आराम से आपको मालूम चल जाएगा कि जो ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड क्या क्या डिफरेंस है और कितना टाइम आपके इंडिया में होगा वो देखिए। लीडरशिप काउंसिल में वहां पे कुछ ना कुछ डलता रहता है तो वहां देखिए। ओके, तो ये चीजें, उसके अलावा भी हमारे इंडियन लीडर्स हैं, ये डेली 8 बजे आके वहां पे अपडेट्स देते हैं और वहां पे आके ये सारा बताते हैं, तो प्लीज उसको भी सुना कीजिए। ओके, तो ये मैं क्यों हम लोग बार बार ये चीज बता रहे हैं, ये आपका बिजनेस है, अगर आप नहीं देखोगे ना तो बस रहने दो, ठीक है ना। तो ये आपको ही देखना पड़ेगा, लॉग इन ओटीपी आने वाले हैं, आप अपने ईमेल अभी दुरुस्त कर लीजिए, वहीं पे ओटीपी जाएगा फिर आप लॉग इन कर पाओगे नए वाले वेबसाइट में। तो इसलिए आपको पहले ही बताया जा रहा है, बाद में आप फिर मत ये कहिए कि क्या है। एंड द सेकंड थिंग, ईमेल्स जो बंद की गई थी ना चेंज करने की, उसके पीछे रीजन था बंद करने के लिए, क्यों? क्योंकि था बहुत सारे कुछ फाउंडर्स थे वो मतलब कि अपनी ईमेल इधर से लेके कुछ वहां से आईडी ले ली उधर चले जाते थे और उधर से चलते। तो अगर कोई जेन्युइन भी है, ओके, अगर फॉर एग्जांपल आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, आपका केस जेन्युइन भी है, आप कह रहे भी नहीं मुझे लॉगिन नहीं कर पा रहा मैं मुझे पासवर्ड नहीं याद या मैं मेरी ईमेल ही करप्ट हो गई है या जो भी है, तो जेन्युइन केस भी ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि वहां पे कोई ये जजमेंट नहीं कर पाएगा कि आप एक्चुअल में सही बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। ओके, तो इसलिए वो बंद की गई थी। बट एट द सेम टाइम स्टिल हम आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं, अभी टाइम है तो उसको आप प्लीज पहले ही देख लीजिए, ईमेल्स के पासवर्ड क्या है आपके, कहाँ ओटीपी आने वाला है उसको बिल्कुल दुरुस्त कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में ये सारे आपको दिक्कत बिल्कुल भी पेश ना आए। ओके, एंड